हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नई वीडियो पे। सो फाइनली दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं जौनपुर की ऐतिहासिक धरती पे, जो कि दोस्तों अभी हमारे पीछे का जो व्यू है वह है जौनपुर का शाही किला। और आज भी दोस्तों हम आप लोग के बीच में ट्रेवल ब्लॉग की जर्नी करेंगे और आपको आज हम नज़ारा दिखाएँगे जौनपुर के शाही किले से लेकर जौनपुर शाही पुल तक का नज़ारा दिखाएँगे। सो यहीं से हम निकलेंगे बाईपास से होते हुए, सीधा कोतवाली चौराहे से होते हुए सीधा शाही पुल तक जाएँगे और आज की जर्नी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इससे पहले भी हमने शाही पुल की ऑलरेडी वीडियो बनाई है, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। सो जाइए, आप लोग उस वीडियो को देखिए, बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस एक ही बात बोलना चाहेंगे कि अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक करें और लाइक के साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि नई नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप लोग को मिलती रहे। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को नहीं फॉलो किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, सो जाइए फटाफट पेज को फॉलो कीजिए, उस पर भी मैं इस तरीके के वीडियो डालता रहता हूँ। सो चलिए, आइए आज की जर्नी को करते हैं कंटिन्यू। सबसे पहले दोस्तों आप लोग देखिए, ये है हमारे जौनपुर का ऐतिहासिक शाही किला, जो कि जौनपुर की अगर बात करें तो जौनपुर शाही किले और शाही पुल के नामों से विख्यात है और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं टूर करने के लिए। और अभी जो टाइमिंग हो रहा है वो दोस्तों हम आपको बता दें कि 5:38 हो रहे हैं और इस टाइम पर अंदर जाने का रास्ता बंद हो चुका है क्योंकि यहाँ का जो टाइमिंग है 8 से 5:30 बजे तक का ही है और वहाँ पे दोस्तों अब टिकट दर बंद कर दिया गया, ऑनलाइन ही टिकट मिलता है। बाकी चलिए दोस्तों, हम इस रास्ते से निकलते हैं और आपको हम ट्रेवल ब्लॉग की जर्नी को दिखाते हैं। तो ये रही हमारी बाइक, ड्राइव करेगा रंजीत और हम करेंगे ट्रेवल ब्लॉग की शूट और इसी बाईपास वाले रास्ते से हम सीधा निकलेंगे। अभी दोस्तों हम लोग के बीच में अंकल जी कुछ जानकारी देंगे। हाँ बताइए। देखिए, जब आप इधर से जाएंगे पुल के सामने, हाँ वहाँ यहाँ घूमच है, हाँ घूमच के इस साइड से देखिएगा शेरे वाली, अच्छा अच्छा, उस तरफ से देखिएगा शेरे वाली मछली। अच्छा, मच्छी मार्केट है? मच्छी मार्केट नहीं, पत्थर में बनी हुई है। पत्थर में बनी है, देखा है हमने तो आज तक नहीं देखा अंकल जी। हम बता दें, देख लो यार। चलिए ठीक है, आज देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी, आप जाना है। हाँ हाँ, कोई मछली है? चलिए ठीक है, पुल बस देखेंगे इस तरफ से शेरे वाली जी, वो मछली जी, और उस तरफ से देखेंगे शेरे वाली। पुल के ऊपर जो नहीं गए, यही पाए, यही पाए। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, हाँ समझ गए। चलेंगे हम, वहाँ भी नज़ारा दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे ऑडियंस को जानकारी दी। चलिए ठीक है, तो अभी देखिए भाई लोग हैं, ये लोग भी आए थे शाही लाल किला देखने, देखने को मिला नहीं। क्या बोले? टाइम ओवर। तो कभी और आइएगा आप लोग देखने, ठीक है, जाइए। पेपर दे के आए आप लोग? अभी देखिए इनकी टोली है वहाँ पे, तो आप लोग घर जाओगे? जाओ जाओ। सो फाइनली दोस्तों, आज का नज़ारा जो हम लोग के बीच में होने वाला है वो जौनपुर शाही किले से लेके जौनपुर शाही पुल तक का नज़ारा है। बीच में हम आप लोग को दोस्तों कोतवाली चौराहे से होते हुए सीधा मछली शहर पड़ाव तक का नज़ारा दिखाएंगे और यह नज़ारा सीधा दोस्तों शाही पुल से ही होगा, शाही पुल के नज़ारे को हम कट नहीं करेंगे। और अभी दोस्तों हम निकल चुके हैं जस्ट शाही किले के दाहिनी तरफ वाले रास्ते को पकड़ के और यह रास्ता दोस्तों सीधा ओलनगंज के मेन हाईवे पे जाके जुड़ेगा, जो कि दोस्तों यह जौनपुर का ऐतिहासिक शहर है। और अभी हम आप लोग को ट्रेवल ब्लॉग की जर्नी दिखा रहे हैं और अभी जो टाइमिंग हो रहा है दोस्तों वो शाम का 6 बज रहा है और अभी देखिए रोड पे बहुत ही कम जाम लगा हुआ है, बाकी सुबह के टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा जाम होता है। और अभी आप जो ये बाईं तरफ का रास्ता देख रहे हैं सीधा दोस्तों अंबेडकर तिराहे पे चला जाता है, सद्भावना पुल से होते हुए आप अंबेडकर तिराहे को जा सकेंगे इस रोड से। और आपको अब हम सीधा लेके चलते हैं कोतवाली चौराहे पे और अभी दोस्तों हम आ चुके हैं कोतवाली चौराहे पे। अब यहां से हमारा जर्नी स्टार्ट होता है दोस्तों और अभी हम दोस्तों आप लोग को शाम का दृश्य दिखा रहे हैं, जो कि अब कोतवाली चौराहे से लेके दोस्तों शाही पुल तक काफी ज्यादा जाम लगता है और यहाँ पे देखिए कुछ ठेली वगैरह भी लगी हुई है,
चाट की और फिर फलों की। यह जो आप रास्ता देख रहे हैं सीधा दोस्तों मलनी की तरफ चला जाएगा और कुत्तुपुर की तरफ भी चला जाएगा। और अभी यहाँ से हम सीधा जर्नी आप लोग को दिखाते हैं, कोतवाली चौराहे से सीधा आपको लेके चलेंगे शाही पुल से होते हुए मछली पड़ाव तक। और अभी देखिए जाम लगना दोस्तों स्टार्ट हो चुका है इस रोड पे, और काफ़ी जाम लगता है क्योंकि मार्केट है दोनों तरफ। और इस मार्केट में दोस्तों आपको एक्स वाई जेड सारी सामानें आपको मिलेंगी। अभी यहाँ पे दोस्तों कपड़े की मार्केट है और काफ़ी अच्छी लगती है दोस्तों यहाँ की कपड़े की मार्केट। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो पे बने रहें और मार्केट का एंजॉय करते रहें। आज का नज़ारा दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा हम लोग के बीच में और आप लोग के बीच में। बाकी अगर आप लोग कोतवाली चौराहे से हैं या फिर रूहट्ठा चौराहे से हैं या फिर जौनपुर से ही हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे तो आपका यह भाई ज़रूर मोटिवेट होगा। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स की मदद से ये भी बताएं कि आप लोग को अब इससे आगे आने वाली कौन सी वीडियो आप लोग देखना पसंद करेंगे, तो कमेंट बॉक्स की मदद से आप लोग मुझे बताएंगे। तो बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि यह दोस्तों बिल्कुल फ्री है। और अभी जो आप यह रास्ता देख रहे हैं दोस्तों बाई तरफ का, ये सीधा दोस्तों अम्बेडकर तिराहे पे और शाही किले पे चला जाएगा। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी है तो किसी भी प्रकार का यहाँ पे जाम वगैरह नहीं लगेगा अभी। तो चलिए सीधा आपको ले कर चलते हैं जौनपुर के आन बान शान की तरफ, जो कि बोला जाए तो जौनपुर की धरोहर, शाही पुल, शाही किले, मैहर देवी, शीतला चौकिया धाम, सब कुछ नज़ारा आपको दोस्तों एक्स वाई जेड हम आपको दिखाएंगे, बट बारी बारी से दिखाएंगे। अभी जो नज़ारा आप लोग के बीच में हम दिखा रहे हैं तो ट्रेवल ब्लॉग की है। बाकी हमने शीतला धाम चौकिया का भी वीडियो बनाया है, शाही पुल का एक अलग से वीडियो बनाया है और हमने शाही किले का भी अलग से वीडियो बनाया है। सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में लिंक मिलेगा, जाइएगा आप लोग वीडियो को देखिएगा, बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अभी हम चल रहे हैं सीधा दोस्तों शाही पुल पे, साइडों में यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं जो कि काफ़ी अच्छा दृश्य लग रहा है। और रात के टाइम में भी दोस्तों हम आप लोग को नज़ारा दिखाएंगे किसी और वीडियो में, रात का दृश्य काफ़ी मार्मिक होता है दोस्तों देखने में। तो ज़रूर अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो ही हम रात का दृश्य आप लोग को दिखाएंगे, बट आप लोग की जैसी मर्जी हो आप लोग कमेंट बॉक्स की मदद से बताइएगा। तो अभी आप लोग ट्रिवल ब्लॉग की जर्नी का एंजॉय लीजिए। और दोस्तों आज का जर्नी आप लोग को कैसा लगा, आज का नज़ारा था हम लोग के बीच में जौनपुर शाही किले से लेकर जौनपुर शाही पुल से होते हुए मछली शहर पड़ाव तक का। तो अभी जो आगे का आपको बाईपास दिखेगा सीधा दोस्तों मछली शहर पड़ाव की तरफ चला जाएगा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।